उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ चार धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ के मुश्किल मौसम के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही खुलता है। कत्यूरी शैली में बने पत्थरों के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित रहा। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहा, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि किस तरह 400 सालों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबा रहा और इसका इस मंदिर पर क्या असर पड़ा। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए 2013 में आई जल प्रलय के दौरान इस मंदिर के सुरक्षित रह जाने से वैज्ञानिकों को कोई हैरानी नहीं हुई। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी ने कहा कि 400 साल तक केदारनाथ के मंदिर के बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद यह मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन जब बर्फ पीछे हटी तो उसके हटने के निशान मंदिर में मौजूद थे। जिसकी वैज्ञानिकों ने स्टडी की, उसी के आधार पर यह पता लगा कि यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा हुआ था। जोशी कहते हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। पहले माना जाता था कि मंदिर ग्लेशियर के अंदर है, लेकिन रिसर्च से पता चला कि यह मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं बल्कि बर्फ में ही दबा हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान हैं। ये निशान ग्लेशियर की रगड़ से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। वे न सिर्फ खिसकते हैं बल्कि उनके साथ उनका वजन भी होता है, और साथ ही कई चट्टानें भी उनके साथ होती हैं, जिसके कारण उनके मार्ग में आई हर वस्तु रगड़ खाती हुई चली जाती है। जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा, तो सोचिए मंदिर ने इस ग्लेशियर के बर्फ और पत्थरों की रगड़ को कितना झेला होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं। बाहर की ओर की दीवारों पर पत्थरों की रगड़ दिखती है, तो अंदर की दीवारों पर पत्थर समतल हैं, जैसे उनकी पॉलिश की गई हो। एक मत के अनुसार विक्रम संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार ये मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन ये मंदिर वक्त के थपेड़ों की मार नहीं झेल सका। वैसे गढ़वाल विकास निगम के अनुसार भी मौजूदा मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, यानी छोटे हिमयुग के दौरान, जो कि 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, उससे पहले ही ये मंदिर बन चुका था। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ इलाके की लाइकोनोमेट्री डेटिंग भी की। इस तकनीक से शैवाल और उसके कवक को मिलाकर उनके समय का अनुमान लगाया जाता है। इस तकनीक के अनुसार केदारनाथ के इलाके में ग्लेशियर का निर्माण 14वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ, और इस घाटी में ग्लेशियर बनना 1748 ईस्वी तक जारी रहा, यानी तकरीबन 400 सालों तक। जोशी ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों साल पहले चोराबारी ग्लेशियर के पीछे हटने से केदार घाटी बनी। जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं तो वे रोड रोलर की तरह अपने नीचे की सारी चट्टानों को पीस देते हैं, और साथ में बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े छोड़ जाते हैं। जोशी कहते हैं कि ऐसी जगह पर मंदिर बनाना इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। उन्होंने एक ऐसी जगह और एक ऐसा सेफ मंदिर बनाया कि आज तक उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिक डॉक्टर आर के डोभाल भी इस बात को मानते हैं कि यह मंदिर बहुत ही मजबूती से बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह भी एक हैरान करने वाली बात है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराशकर कैसे एक मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से यह मंदिर एक भूकंपरोधी इमारत में तब्दील हो गया। ये मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई।
दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।